सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्राइव एक्सपो। मैंने एक डेढ़ हफ्ते पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैं बता रहा था, बोला था कि मैं इसकी डिटेलिंग की वीडियो डालूंगा अपनी स्कूटी की। तो उसके बाद तो खैर बारिश बहुत हो रही थी फरीदाबाद में, दिल्ली में भी बहुत हुई थी, तो इस चक्कर में वीडियो काफ़ी लेट हो गई। तो आज मैं इसको कम्प्लीट वॉश करूँगा एक प्रेशर वॉशर से। पीछे आप देख सकते हो कीचड़ में बहुत हो रही है। अब हालत देख ही लो, या पीछे वाले टायर की हालत देखो और ये थोड़ी अंदर की हालत है, ये इधर नहीं इधर, ठीक है। और ये यहाँ की भी आपको दिखा देता हूँ, फ्लैश जलाऊँ यहाँ पे। अंदर देखो मिट्टी बहुत जमी पड़ी है, इधर भी सेम यही हाल है। यहाँ शायद ध्यान नहीं रहा, छाया इस तरफ। बाकी ये डैशबोर्ड की भी आप लुक ले लो, गंदा ये भी बहुत हो रहा है। सामने से आप देखो, अंदर भी आप ये देखो, और यहाँ की भी हालत ऐसी है कुछ। बाकी अब मैं इसको नीचे से और दिखाता हूँ। ये नीचे से आप भाई गंदी बहुत ज्यादा ही हो रही है। तो अब इसको वॉश करके दिखाते हैं और आपको थोड़ा सामान और दिखा दूँ। हाँ जी, ये तो मेरा पावर वॉशर है, ये मैंने एक्सटेंशन डाल रखी है, अंदर से पूरी आ रही है ये। बाकी ये पानी हो गया यहाँ पे। इन दोनों बकेट से मैंने 3M का फोम वॉश शैम्पू डाल रखा है, और ब्लू वाली बकेट में एक ब्रश लिया हुआ है कहीं कोनों में कीचड़ फंसी रहा उसको निकालने के लिए। और माइक्रोफाइबर क्लोथ्स हैं इसमें दो, ये हैं, ये नीचे के लिए, ये बॉडी के लिए है। अलग अलग दोनों बाल्टियों में है, दोनों में अलग से शैम्पू और डाल रखा है। और जो इसके साथ एक डिस्पेंसर आता है, फॉर्म कैनन तो आती नहीं, उसको भी ट्राई करूँगा आज भी, उससे देखते हैं बढ़िया सी झाग निकलती है या फॉर्म बनती है या नहीं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाद में और चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं साइलेंसर का जो एक मफलर कवर बोलते हैं, साइलेंसर कवर मान लो, इसे भी उतार रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी काफ़ी कीचड़ जम जाती है। एक तो ये एलेंकी वाले पेच आने लग गए हैं, ये एक्टिवा 5G उत्तरी है तो फंस गया, जंग इतना है सुना भी हो गया। एक्टिवा 5G और एक्टिवा 125 जो BS4 में आई थी, उन दोनों में उनमें से ये जब से ये मेटल वाला आया मफलर, तो ये एलेंकी के पेच आ रहे हैं। 4G तक तो आपको ये नहीं मिलेंगे। इनको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, और बाकी हालत देखो इसके भी, ये भी जंग खा जाता है। क्रोम का है कि क्रोम है ये कंपनी की, मुझे समझ नहीं आता। एक और बाकी अब ये भी खोलेंगे हम। इसके लिए आपको चाहिए, एक मिनट देखता हूँ, 8 नंबर लगेगा या 9, मुझे 8। हाँ जी, 8 नंबर की एक ऐसा आपको फाना भी चाहिए होगा इसको उतारने के लिए। तो ये पाइप कईयों ने अपनी में भी देखा होगा, इनकी पुरानी हो जाती है और ऐसे कीचड़ डरने लग जाती है, पाइप सड़ जाता है, लाल हो जाता है बिल्कुल। उसकी शायद मैं एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा आपको। तो ये जो पिक आप देख रहे हो मेरे फ्रेंड की स्कूटी की है, दोनों मॉडल सेम है, एक्टिवा 125 BS4 जैसा मेरा वैसा ही उसका है, और उसका वाइट कलर है, मेरा ब्लू कलर है बस। तो इससे काफ़ी आसानी रहेगी आपको बताने में कि क्या दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मॉडल सेम है। अब इसका आप साइलेंसर का पाइप देखो, ये एकदम रेड हो गया है, धीरे धीरे ये और चलेगी, ये धीरे धीरे अब क्या करेगा, रस्टिंग पकड़ लेगा। उससे होगा क्या कि जो इसके जो जॉइंट्स होते हैं ना पाइप के साइलेंसर से, उनमें भी रस्टिंग आएगी, फिर धीरे धीरे वो क्रैक होंगे, फिर जो साइलेंसर पाइप कट जाता है, फट जाते हैं ना साइलेंसर, वो इसी वजह से मेन होता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ रस्टिंग का इशू आ जाता है, वहाँ से वेल्डिंग जाती है टूट। इस वजह से लोगों को बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, अगर ये पहले ही मेंटेन करके चलें तो ये इशू नहीं आता, पर कई नहीं मानते तो कुछ कर भी नहीं सकते। और ये होता क्यों है, क्योंकि ये आपकी जब जैसा मेरी पे कीचड़ लगी पड़ी थी सारी, वो अगर मैं और थोड़े दिनों तक तो नहीं हटाऊंगा, वो परमानेंट इसके ऊपर ही टिक जाएगी, फिर उसको हटाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इससे भी नहीं हटती। इसलिए मैं इसको खोल के साफ़ करूँगा अच्छे से, बाकी अब देखते मेरी भी उतरती है नहीं उतरती, अभी धोएंगे, बाकी इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। चलो हम इसे खोल लेते हैं, उसके बाद आगे वॉशिंग दिखाएंगे आपको। तो हम वॉशिंग स्टार्ट करने वाले हैं, और जिनके पास ये प्रेशर वॉशर होता है उनमें सबसे ज़्यादा लोग ये गलती करते हैं, कि हमने भी करी थी जब नए नए थे हम भी इसमें, तो हम ऐसे चलाते हैं, ऐसे खोल देते हैं, तो इसमें लगती है एकदम शार्प, जैसे अभी दिखाता हूँ एकदम तीखीदार निकल रही है, आया ये वीडियो। और अगर हम ऐसे कर दें तो अब निकलेगा इससे फवारा, पानी ज़ोर से नहीं पड़ेगा आपके पेंट के ऊपर, जहाँ ज़्यादा कीचड़ है तो खोल के लगाना है ऐसे,
जहाँ आपकी ज़्यादा कीचड़ है नीचे होता है, जैसे ट्रे के पास है मड फ्लैप के, मडगार्ड के अंदर, वहाँ पे आपको ये चीज़ चाहिए, वरना पेंट के ऊपर आपको ये लगेगा। ओके, हमें इसे जैसे हमें स्प्रेड पे करना है, फवारा मोशन ये वाला है, इसको इसके साथ ऐसे करना है, ये लग गया। अब हम चेक करेंगे कितनी बढ़िया है। तो फॉर्म तो इसमें से काफी अच्छी निकल गई, बाकी उतनी अच्छी भी नहीं निकली जैसे फॉर्म कैनन से आ जाती है, बाकी काम चलाने के लिए ये भी। अब हमें माइक्रो फाइबर क्लोथ से पेंट को वाइप करना है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े बहुत स्पॉट्स रह गए हैं, वो उससे ही निकलेंगे। जो पिंक कलर का माइक्रो फाइबर क्लोथ है वो तो पेंट के लिए, और ग्रे और ग्रीन अंडरबॉडी के लिए। तो ये माइक्रो फाइबर क्लोथ है ऑटो फॉर्म कंपनी का, वो भी मैं आपको या तो इसका मैं पार्ट टू बनाऊंगा जिसमें इसकी डिटेलिंग करूंगा, या इसी पार्ट, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो इसी पार्ट में वो भी दिखा दूंगा। बाकी ये माइक्रो फाइबर क्लोथ है, ड्राई करने के लिए और भी है, मेरे पास चार हैं टोटल, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। अभी इससे करते हैं इसकी वॉशिंग, थोड़ा हाथ मार के साफ करेंगे। अब भाई आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो ये पूरी स्कूटी मैंने धो ली है, पहले ये वहाँ खड़ी थी, तो उसके बाद मैं यहाँ ले आया, थोड़ी ये सूख भी गई क्योंकि ये चढ़ान पे खड़ी है तो पानी ना आराम से निकल जाता है। अब ये कंडीशन है आप देख लो, मिट्टी इतनी चढ़ी हुई थी, कई दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल। अब आप ये कंडीशन देखो, मेरे पास इसकी कुछ पुरानी फोटोज़ भी हैं, अगर मेरे को वीडियो में लगेगा कि हाँ पुरानी जो कंडीशन थी वो पूरी जस्टिफाई हो ही नहीं पाई इस वाली वीडियो में, तो मैं वो फोटोज़ भी इसके साथ डाल दूंगा। आप इस साइलेंसर की कंडीशन देखो, पहले क्या थी और अब क्या है वो भी मैं इसमें दिखा दूंगा आपको। अंदर से भी काफ़ी हद तक साफ़ हो ही गई है, थोड़ी बहुत रह रही है, इसको हम थोड़ा हाथ से साफ़ कर लेंगे, निशान रह ही जाते हैं कीचड़ के।
इतना तो पावर। और अब यहाँ से भी आप देख लो, और बाकी जो इसकी और अच्छी लुक आएगी वो आएगी इसकी पूरी वैक्सिंग और पॉलिश के बाद, वो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब इसको भी काफ़ी हद तक मुझे छोटा करना पड़ेगा, कई पार्ट्स हटाऊंगा बीच में से, जो मेन मेन होगा सब दिखाऊंगा। चलो आप पार्ट टू के लिए रेडी रहना। इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर बताऊँगा। जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको दिखाऊँगा वैक्सिंग एंड पॉलिशिंग। वैक्सिंग तो होगी इसके पेंट के ऊपर, जैसे वो वैक्स आता है ना पेंट के लिए, पेंट पॉलिश भी कई कह सकते हैं उसको। और बाकी जो डैशबोर्ड है इसका ब्लैक कलर, जो भी पार्ट्स होंगे आसपास डैशबोर्ड या प्लास्टिक पार्ट्स ब्लैक कलर के, उन पे हम करेंगे पॉलिश। 3M की पॉलिश है और वैक्स होगा फार्मूला 1 का, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उनके। कल आपको उसका सेकेंड पार्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।